दिल्ली से छतरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लोहिया बिरादरी के भी वोट हासिल करना चाहते हैं। अपनी इस मंशा से लोहिया ने फतेहपुर और असोला गांव में जाकर जोरदार प्रचार किया। प्रचार पर ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तरुण कालरा। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लोहिया का छतरपुर विधानसभा से प्रचार लगातार धारदार होता जा रहा है। आज के प्रचार की मुख्य बात यह है कि सतीश लोहिया का प्रचार फतेहपुर बेरी और असोला गांव में किया गया है, जो कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सतीश लोहिया हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जो इलाके के लोग हैं असोला गांव और फतेहपुर बेरी के, वो भी यहां पर सतीश लोहिया के प्रचार के दौरान उनके में शामिल हैं। सतीश जी, ये प्रचार का आपका मैं देख रहा था रंग, वो तवर बनाम लोहिया था, लेकिन आप अब तवर के गांव में आए हैं, क्या चाहते हैं? तवर बनाम लोहिया नहीं है, पूरे समाज का साथ है। ऐसी नहीं है, 36 बिरादरी हमारे साथ है और तवर और लोहिया ऐसा कोई वाद नहीं चल रहा है। वो यूथ में जोश है, वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं, हम सारे सब समाज के साथ हैं। तवर के साथ क्या कुछ वादा करना चाहते हैं आप? नहीं, जो भाई हैं मेरे तवर वोटर हैं, उनके पास विकल्प है, ब्रह्म सिंह तवर और करतार सिंह तवर, वो लोहिया को वोट क्यों देंगे? बिल्कुल देंगे, हम 40 साल से देते आ रहे हैं, एक बार हाथ जोड़ के हम वोट मांग रहे हैं उनसे। क्या कुछ मुद्दे हैं? चूंकि ऐसा कहा जाता है कि एक तरफा विकास हुआ है, अगर तवर विधायक बना है तो उसने तवर डोमिनेटिंग इलाकों में ही विकास किया है, लेकिन अगर लोहिया को मौका मिलता है तो क्या मिलेगा तवर को? सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ विकास ही नहीं हुआ, इसीलिए मुझे मौका देंगे, मैं यहाँ विकास करूँगा। इलाके के पूर्व पार्षद भी हैं हमारे साथ, क्या कुछ मुद्दे हैं इलाके के जो आप वादा कर रहे हैं? आप यहाँ काफ़ी देर से साथ साथ चल रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं जी, सच्चाई पूछो तो यहाँ बुनियादी सुविधाएं आज तक दी नहीं गई हैं। यहाँ पर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जहाँ जिसके लिए बीजेपी या आम आदमी ये कह सके कि हमने इस इलाके के लिए ये काम किया है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ती आई है, हमारा एक ही मुद्दा डेवलपमेंट, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतीश लोहिया से भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा आप सब कुछ देख ही रहे हैं आपके सामने की बात। सतीश जी, आप लगातार कह रहे हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ रही है, अमित शाह जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, छतरपुर में आज भी रैली है उनकी। ये तो और भी अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि हम जहाँ बीजेपी से फाइट है वो पीछे अगर मुद्दा ऐसे आएंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए हमारा कोई किसी से, अब मुझे लग नहीं रहा कि हमारा किसी से भी मुकाबला होगा, हमारी एक तरफा जीत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जनसमूह है, जो यूथ का साथ मिलता जा रहा है, सर्व समाज का साथ मिलता जा रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, माताओं बहनों का प्यार मिलता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता हमारा किसी से कोई टक्कर होगी। नहीं, अगर यहाँ पर क्या है, कांग्रेस का एक ही नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, हमें बीजेपी से क्या लेना, वो क्या कहती है क्या नहीं लेते, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं जो कांग्रेस लगातार कैंडिडेट हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो किसी विपक्षी पार्टी का गढ़ है वहाँ पर प्रचार ना किया जाए, क्योंकि वहाँ से उम्मीद कम रहती है कि वोट मिलेगा। लेकिन सतीश लोहिया अपना लोहा मनवाने के लिए फतेहपुर बेरी और असोला गांव आए हैं, जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यह आत्मविश्वास दिखाता है कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लोहिया का। कैमरामैन आकाश के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।